अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारे भाइयों का सवाल था कि भाई पथरी के लिए कोई दवा बताइए, तो दोस्तों आज मैं पूरी दवाई आपके सामने बना कर दिखा देता हूं कि आपको किस तरीके से सारी दवाई इस्तेमाल करनी है और कैसे कैसे आपको बनानी है और कैसे इस्तेमाल करनी है दोस्तों। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने टेबल पे जो है दोस्तों 20 पुड़ियाँ काट ली। आपको सबसे पहले लेना है हजल यहूद भस्म दोस्तों, ये आती है वैद्यनाथ कंपनी की और ये 10 ग्राम की 200 रुपये एम आर पी की दोस्तों होती है। तो जिन भाइयों के 5 एम की, 6 एम की या 8 एम एम की पथरी है और वो पथरी से बहुत ज़्यादा दोस्तों परेशान है, तो आपको करना क्या है कि आपको 20 ग्राम की हजल यहूद भस्म लेनी है और भस्म लेने के बाद दोस्तों आपको उसकी 20 पुड़ियाँ बना लेनी है। 20 पुड़ियाँ बनाने के बाद दोस्तों सबको बराबर बराबर आपको पुड़ियाँ बनानी है, ये ध्यान रखना है। आपको कोई भी किसी में दवाई कम बढ़ती नहीं होनी चाहिए, सब में बराबर होनी चाहिए। और इस तरीके से दोस्तों और आपको दूसरी चीज़ लेनी है दाल कुल्थी। दाल कुल्थी भी दोस्तों मेरे पास रखी है, मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। सबसे पहले आपको दोस्तों भस्म लेके इसकी आपको बनानी है 20 पुड़ियाँ दोस्तों, और 20 पुड़ियों को दोस्तों आपको एक मुट्ठी आपको लेनी है दाल कुल्थी। तो इस तरीके से आप दोस्तों समझ लीजिए, जो भी भाई गुर्दे की दर्द से, मसाने की दर्द से या पथरी की दर्द से परेशान है और जिन भाइयों को बार बार पथरी बनती है, तो वो दाल कुल्थी और हल यहूद भस्म इस्तेमाल करके अपनी पथरी की समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म दोस्तों कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह आप इसको लगातार कीजिए, कभी दोस्तों आपके ज़िंदगी में पथरी नहीं बनेगी। तो दोस्तों ये वीडियो उन भाइयों के लिए हैं जिन भाइयों को बार बार पथरी बनती है, पथरी से परेशान रहते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं कि कैसे हमें इस्तेमाल दोस्तों ये करनी है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये इसको कहते हैं दाल कुल्थी, और आपको दाल कुल्थी लेनी है आधी किलो और एक भस्म लेनी है। भस्म की दोस्तों आपको 20 पुड़ियाँ बना लेनी है, और 20 पुड़ियाँ बनाने के बाद आपको जो दाल कुल्थी आपने ली है उसको दोस्तों रोज़ाना आपको सोते वक्त एक मुट्ठी दाल कुल्थी लेनी है दोस्तों, और एक मुट्ठी दाल कुल्थी लेने के बाद आपको एक गिलास पानी में डालकर रख देना है रात को। उसके बाद दोस्तों सुबह आपको क्या करना है, जो आपने रात दाल कुल्थी डाली थी उसको अब दोस्तों छान लीजिए, और छानने के बाद आपको उस पानी के साथ दोस्तों ये पुड़ियाँ जो बनाई हैं दोस्तों ये आपको इस्तेमाल करनी है। तो एक पुड़िया आपको दोस्तों सुबह नहार में इस्तेमाल करनी है, और एक आपको दोस्तों शाम को इस्तेमाल करनी है। सुबह और शाम दोस्तों एक मुट्ठी दाल कुल्थी को आपको एक गिलास पानी में डाल कर रख देना है, और सुबह एक पुड़िया आपको इस्तेमाल करनी है। इससे इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगर आपकी पथरी 5 एम की पथरी है, 4 एम की पथरी है, 6 एम की पथरी है, या आपके बार बार पथरी बनती है, इससे इंशाअल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से ही पथरी दोस्तों गल के निकाल देती है। सबसे अच्छी बात दोस्तों इसकी ये होती है कि पथरी को ये तोड़ती नहीं है, बल्कि पथरी को दोस्तों घुला के निकाल देती है पेशाब के रास्ते, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी दोस्तों ना हो। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ पूछना चाहते हैं तो हमसे दोस्तों आप रब्ता कर सकते हैं। खुदा